हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए फिर से सीएमए सक्सेस स्टोरी है। और आज मैं हूँ अली के साथ। अली बेसिकली गुजरात से हैं और इनका भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। मुंबई कैंपस प्लेसमेंट में एलएनटी में ऑफर सिक्योर किया है इन्होंने। तो सुनते हैं अली की स्टोरी। और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए। हाय अली, वेलकम बैक, कैसे हो आप? हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं तो बढ़िया हूँ सर, आपने इतना अच्छा कैंपस दिलवा दिया तो हम तो बढ़िया ही रहेंगे। आप बताइए सर। मैं बहुत अच्छा हूँ। और आपको कैसा लगा कैंपस में जब ऑफर आपको मिला था, वो फीलिंग इमोशंस कैसे थे आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं तो आपको पहले थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं हूँ नहीं उधर ना, सच में आपके मैं मतलब पैर से जैसे पैर पड़ के दिस इज दैट वाज द फीलिंग आई एम हैविंग राइट नाउ। एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन who don't who has having knowledge also, but who don't know how to imply and who don't having knowledge also. So for both of them, this is the thing which I want to say, sir. And second thing, sir. Hello. Yeah, you are whatever. Second thing, sir. कि आपने जैसा पूछा कि क्या feeling था sir, तो मैं तो पहले मेरे को first ही company थी जो L&T थी, first day आने वाली थी और मेरे target ही वही था कि मुझे L&T में लगी जाए। और आपसे जैसा बात भी हुआ था कि एलएनटी का जो है जो स्ट्रक्चर होता है ये वो उस चीज़ को लेके, बट वहाँ जैसे ही हम पहुंचे तो जो डब्ल्यूआरसी के एक मेंबर थे उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि एक लिस्ट पहले से वो बना के आए हैं जो रिक्रूटर्स है और उनको इस बार रैंकर से चूज करना है। सो आई वॉज नॉट बींग अ रैंकर, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज आपकी जो क्लासेस थी, आपके जो नोट्स थे, फिर उसके आपके जो डेली के सेशन थे, इवन अभी तो आपने मॉर्निंग के सेशन भी लिए थे और मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि मॉर्निंग के सेशन में कॉस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग का भी बहुत अच्छा से आपने सब बताया था। तो उस चीज़ों को लेके फिर आपने इंडेक्स भी बताए थे कि इंडेक्स 40 हो गया, फिर AS7 हो गया, ये सब चीज़ों को आप एकदम बराबर से करके रखो, इंडेक्स 15 हो गया। तो सब चीज़ें मैं प्रॉपरली करके गया था। आई वाज बिट कॉन्फिडेंट कि यस दिस टाइम आई विल ग्रैब द ऑफर, यही दिन है, यही ऑफर लेना है, नेक्स्ट डे आना ही नहीं अपने को। तो मैं इंटरव्यू बैठा, मेरा इंटरव्यू गया ठीक है, मतलब थोड़ा डामकडोल भी हुआ। फिर बाहर आके 6 जनों को उधर ऑफर उन्होंने दे दिया एंड सिलेक्शन वॉज कम्प्लीटेड। फिर मैं बहुत हताश और निराश हो गया था कि ठीक है, अब पता नहीं क्या होगा, ये होगा। बट जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे को कॉल आया और आई वाज गॉट सिलेक्टेड। और जैसे ही मेरा कॉल आया एंड द नेक्स्ट कॉल आई कॉल्ड यू कि सर आपके विशेस की और आपकी जो भी इतनी मेहनत से हम हो गए सर, सिलेक्ट हो गए। सो दैट वाज द फीलिंग आई हैड। ओके, ग्रेट। अच्छा, जब पेरेंट्स को आपने बताया तो पेरेंट्स की कैसे फीलिंग इमोशंस थे आपके लिए? मैं तो सर मुंबई गया हुआ था, घर पे थे, तो मैंने पहले ही उनको मतलब जैसे मेरा ये हुआ तो लंच के टाइम पे मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आई कुड नॉट एबल टू क्लियर, उन्होंने वो कर लिया। तो मम्मी बोले कुछ नहीं, यही जर्नी है, ऐसा होगा, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी आएगा, कुछ नहीं, कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, हो जाएगा। बट मैं बोला हाँ ठीक है, बट मैं लेके गया था कि मेरे को इसमें ही चाहिए। तो मैं घर पे आया और फिर घर पे मैंने मास्क को ही बताया, हमारे जो है रिलेटिव उनके घर पे रुका हुआ था, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। और बस 15 मिनट्स में मेरे कॉल आया और फिर सब एकदम घर में एकदम अलग ही माहौल हो गया। जो 15 मिनट्स पहले जो माहौल था उसके बाद जो माहौल हो गया और फिर मैंने घर में बताया ये है, तो उसके बाद वो लोग का भी जो रिएक्शन थे। और जैसे ही मैं घर पे आया तो मम्मी ने एकदम मतलब वो बोलते ना, पहले तो एक टाइम पहले जब मेरा रिजल्ट आया था तब वो इमोशंस थे और अब ये इमोशंस सर, दिस वॉज समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस राइट नाउ, बट ये था और ये मेरे को भी है, मतलब कि जब और अभी भी मैं जब सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में तभी मतलब एकदम इमोशनली हो जाता हूँ कि सर जो भी था इट वॉज समथिंग विच इज unrealistic and which cannot be expressed in words. Great. So it means आपकी journey मेरे साथ बहुत अच्छी रही, right? No, definitely sir, definitely. Okay, so आप future में भी students को suggest करोगे मेरे mentorship के लिए? मेरे को तो सर आपने पहले मैं बहुत confused था, पहले मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, should I pursue or not? Because पहले से एक डर का माहौल रहता है कैंपस के टाइम पे कि rankers और first attempt वालों को ही होना है और हम तो final में attempt लेके आए थे, तो हमने सोचा कि अगर हम क्लास भी लेंगे फिर कैंपस भी जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे। तो मैंने भी एक दो प्लेयर से पूछा था और उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि गो विथ रोहन शर्मा सर, उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है। एंड उसके बाद मेरे को पता ही था कि आप, बिकॉज मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो से सब भी देखा था, सो आई वॉज वेरी श्योर कि आप मेरे को आपसे ही मेंटरशिप लेनी है। और जैसे ही मैं लिया तो सर मेरे को डिफरेंस पता चला, एक टीचर का डिफरेंस और एक मेंटर का डिफरेंस। मतलब मेरे को पता नहीं था मेंटर होता क्या, हमने सुना था मेंटर, बट हमें पता नहीं था मेंटर का डिफरेंस क्या होता है। बट जैसे जो एक डेढ़ महीना पीछे का बीता है सर, उससे मेरे को पता चल रहा है कि व्हाट इज मेंटरशिप एंड शायद इससे बेटर मेंटर मैंने आज तक नहीं लाइफ में पाया और ना शायद पाऊंगा सर। सो इट इज अ बिग थैंक यू टू यू सर, थैंक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, आपने सीएमए जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की?
ओके सर, सो आई वॉज बिट कंफ्यूज अबाउट सी ए एंड सी एम ए, बट जैसे मैंने आपको आपके मेंटर के बारे में बताया, मतलब मेरे मेंटर आप थे, तो उस टाइम पे मेरे को एक हमारे सर थे, तो वो उन्होंने मेरे को बताया कि डोंट गो विद सी ए राइट नाउ, गो विद सी एम ए बिकॉज आई वॉज नॉट मैथ्स बेंड्रो. हमारे में मुंबई में ऐसा होता है कि आप 11th और 12th में आपके पास एस पी या फिर मैथ्स का ऑप्शन होता है, तो मैंने उस टाइम पे मैथ्स लिया, एस पी लिया हुआ था, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं सी एम ए के लिए जाता हूँ. एंड फॉर्चुनेटली आई हैव क्लियर्ड माय फाउंडेशन ऑल्सो इन वन अटेम्प्ट. इंटर में तो मेरे को रैंक थी, फाइनल में अनफॉर्चुनेटली जून का जो अटेम्प्ट आपको बताइए सर, वहाँ पे सी एफ आर के पेपर ने, तो बस एक सी एफ आर की वजह से, उस वजह से मेरे को एक अटेम्प्ट आया था. एंड वही मेरी जर्नी थी, वहाँ पे मेरे को एक मेंटरशिप मिली कि गो विद सी एम ए, फिर ही मेरे को पता चला कि सी एम ए करके भी पोस्ट होता है, और फिर मैं आज आया और मैं बहुत अपने आपको लकी मानता हूँ कि उस टाइम पे मैंने वो मेंटर के सुना और इस टाइम पे मैंने आपसे सुना, एंड टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. सो आपका जो इंटरमीडिएट में आपने रैंक लाए और फिर फाइनल में, अच्छा फाइनल में भी आपने बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किया था राइट? हाँ हाँ सर, बोथ ग्रुप में अटेम्प्ट किया था मैंने. एंड एक्चुअली इंटर में जो था, इंटर में कोविड का टाइम था, सो इंटर में क्या हुआ था कि आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि हाँ मेरे को ये करके जाना है, वो करके जाना है. एंड इवन इन फाइनल्स ऑल्सो मेरे जो मार्क्स थे, अगर आप वो मैंने जो कंपेयर किए विद रैंकर्स, तो मैं टॉप 20 के उसमें आता था, अगर मेरे को 40 भी आ जाता सी एफ आर के अंदर, बट एक पेपर में मेरे को मतलब 18 आ गया और जो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें मेरे को सी एफ आर में 63 आ गया. तो मतलब वो क्योंकि मैंने सी एफ आर को बहुत ही लाइटली ले लिया था कि हाँ ठीक है एंड में देख लेंगे एंड में देख लेंगे, और जैसे ही मैंने पेपर अटेंड किया उस टाइम पे मेरी नर्वसनेस की वजह से मैंने खाली एक घंटे का पेपर अटेंड किया था, तो बस वो एक उसकी वजह से मेरे को बहुत रिग्रेट था कि मतलब मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंटर में रहे थे तो लोग यही बोले हाँ इंटर में तो ठीक है बिना फॉर्म वॉर्म बिना कोई काम करे तो सभी कर लेते, तुमने क्या बड़ा काम कर लिया, बट इसीलिए मेरे को बहुत डर था. बट सर फॉर्चुनेटली और ड्यू टू मतलब गॉड की जो भी है थोड़े उनके उपकार, मतलब मेरे उपकार की वजह से जो भी बोल सकते हैं, उस वजह से मिल गया सर, हो गया मतलब. ओके सो अच्छा आप ये थोड़े से अपने आर्टिकल से जर्नी के बारे में भी आप बताओ, लाइक आपने अपनी आर्टिकलशिप फॉर्म से किया था या कॉर्पोरेट से किया था, और कितने टाइम के लिए आपने आर्टिकलशिप की थी? ओके सर, तो मैंने मेरे सी ए फॉर्म ही है हमारे इधर, मिड साइज फॉर्म है, तो मैंने उधर ही अप्लाई किया था और उधर ही मेरा हो गया था, तो उधर वो लोग के पास अच्छा मतलब दे आर वेरी उधर इधर अच्छा खासा उनका ये है ब्रांडिंग है, और तो उनका बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है, उनके पास एक लिस्टेड कंपनी भी है रिलायंस पर जो उनके जॉब वर्कर है, तो उनका मतलब उधर से मेरे को अच्छा खासा नॉलेज मिल गया था कि हाँ ये है. और फिर मेरे को भी मतलब एक्चुअली क्या होता है, वही होता है जब हमें पता नहीं होता कि क्या होगा आगे जाके, तो हमें भी यही डर था कि फॉर्म से किया है तो कोई वैल्यू करेगा नहीं ये वो, बट फिर जाके पता चला कि फॉर्म से करने में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जो नॉलेज मिलता है जो चीज़ों का अपने को डाइवर्सिटी मिलता है, क्योंकि मेरा टैक्सेशन में भी मेरा कॉस्टिंग में भी और ऑडिटिंग सब में मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मैंने फॉर्म में बहुत सारा एक्सपोजर मेरे को मिल गया था उधर फॉर्म से, तो उस वजह से मेरे को बेनिफिट हुआ. एंड मैं 2 साल तक मैंने मतलब 2 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड, और अभी भी मैं उधर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज बस हमारा ज्वाइनिंग जो है जुलाई में, उस वजह से अभी भी उधर ही ज्वाइनिंग चल रहा है. यस सर. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. अच्छा आपने इतना लाइक आपने रैंक भी लेके आए, आपके अटेम्प्ट भी लगे, आपने ट्रेनिंग भी अच्छे फॉर्म से फिर आपने की, तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी सी एम ए परस्यू कर रहे हैं, आप उनको लाइक एग्जाम के लिए स्टडी टिप्स आप क्या देना चाहते हो इन शॉर्ट, कि लाइक आपका जब अटेम्प्ट लगा तो क्या मिस्टेक्स आपने की जिससे आपके अटेम्प्ट लग गए और उन्हें वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी? सर फर्स्ट थिंग के कोई भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर ही मत करो, हमेशा ये हो जाता है हमारा कि हम दो एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गए तो हमें प्यार आ जाता है, जैसा कॉस्टिंग के आज सम बनने चालू हुए तो कल भी हम कॉस्टिंग ही करेंगे, परसों भी कॉस्टिंग ही करेंगे, और यही चीज़ मैंने करी, ये एक सब्जेक्ट को मैं लेके बैठ गया उसको लेके बैठ गया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को मैं भूल जाता था कि ये भी करना है, तो पहले तो कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना. हाँ तो अगर आप 4 सब्जेक्ट दे रहे हो तो रोज 4 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रिविजन करिए, एक सब्जेक्ट को पहले 4 घंटे दीजिए, दो दो सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को 2-2 घंटे, बट एटलीस्ट गिव एवरी सब्जेक्ट मतलब स्पेसिफिक टाइम, पहला तो ये. सेकेंड थिंग इज सर के ट्रेंड एनालिसिस हार्ड वर्क तो स्टार्ट में करना ही है, बट जो 1.5 मंथ है एंड के उसमें स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ मैंने सर बहुत नोटिस करी है कि होता ये है कि हम पहले स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, 4 महीने जो हमारे छुट्टी उट्टी मिलती है हमें उसमें हम क्या हाँ ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, एंड में जाके फिर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं 12-15 घंटा बैठ रहे, बट मैं ये नहीं करता था, मैं पहले वैसे कर लेता था, फिर जो एंड का 1.5 महीना था उसमें सिर्फ 8 आवर्स मेरे को ट्रेंड एनालिसिस करना है, पेपर सॉल्व करना है, और जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ या फिर मेरे को लगता है कि ये कवर अप मैंने पहले नहीं करी उसको मैं बाद में कवर करता हूँ, तो यही चीज़ सर मैं सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह तो कोई चीज़ को इग्नोर नहीं करना है. सेकंड ट्रेंड एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो जो न्यू सिलेबस आया है तो भी न्यू सिलेबस में इतने चेंजेस नहीं है, वी कैन डू द ट्रेंड एनालिसिस. और थर्ड थिंग इज रिविजन,
एंड पेपर का जो भी पिछले साल के पेपर आए उसको करना बहुत ही नेसेसरी है। ये मतलब ये ऐसा है, मंत्र है, पिछले साल के 5 साल के तो अपने पेपर कर दिए तो बन तो जाएंगे, 40 तो बननी है पक्के से। तो ये चीज मैंने मेरी रियलाइज करी और ये सजेस्ट करूंगा। ओके ओके ग्रेट। So apart from this, like how many attempts, like how many times revisions is required? कितने time उन्हें को revision करना चाहिए subjects को? सर मैंने अगर मैं frankly बताऊँ तो मैंने 2 से 3 बार तो करे ही थे, मतलब अच्छे खासे revision। तो फिर उससे क्या है, पहली बार आप करते हो तो पता चलता है हाँ ये, second time करते हो तो दिमाग में उतना चालू होता है, third time से पता चल जाता है कि ऐसे समाएंगे तो ऐसे कर ही लेंगे। तो 2-3 बार तो required है, पहली बार तो हम जब go through कर रहे थे, सेकेंड टाइम जो 1.5 महीने पहले हुआ हो और थर्ड टाइम जो 1.5 महीने में मैंने बताया वो था, और सोच बारी भी हो जाता है जब एक दिन पर छुट्टी मिलती है या फिर एक रात पहले, तो कंप्लीट रिवीजन 4 बार हो ही जाता है। तो उस बेसिस पर अगर आप ऐसे 4 बार रिवीजन कर ले रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ। मतलब ऐसा कोई सक्सेस मंत्र नहीं है कि ये 4 बार रिवीजन होने ही चाहिए, बट मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट में ऐसे ही किया था और मेरी इतनी बुक्स भर गई थी कि अभी भी बुकें पड़ी हुई है, ठीक है, और टाइम ही नहीं मिलता कि रद्दी में देने जाए, तो उतना तो मतलब कर ही लेना चाहिए सर, तो उससे आपका बन जाएगा, फिर रैंक भी लाने का आपका आ ही जाएगा अगर आप 4 बार रिवीजन करते हैं। यस। अच्छा आपने इंटर में भी बोथ रूप दिया, फाइनल में भी आपने बोथ रूप दिया, तो मतलब बोथ रूप देने के लिए जनरली कितना टाइम स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, लाइक 9 मंथ 10 मंथ आपके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड टाइम लिमिट क्या है अगर कोई स्टूडेंट बोथ रूप के लिए जा रहा है? सर मैं अगर 9 मंथ का तो अगर ठीक है, अगर आप पूरा क्लासेस के साथ कर रहे हो तो 9 मंथ तो नेसेसरी है। अगर सेल्फ आप दे रहे हो कि चलो पहले हमने क्लास व्लास खत्म कर दी थी, बट उसके बाद 6 मंथ में सर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। 6 मंथ में आपके जो मैंने 4 रिवीजन की बात करी वो भी 2-3-4 रिवीजन हो जाता है आपका। पहले तो आपके लेक्चर 3-4 महीने 5 महीने में कंप्लीट हो गए, और फिर अगर आप 4-5 महीने इसको दे रहे हो तो मैक्सिमम 9th मंथ आप सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो, इवन इन आफ्टर आर्टिकलशिप ऑल्सो। हमारे साथ एक बेनिफिट, ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये था सर मेरे सी ए फॉर्म में, कि उधर अगर आपको 9 मंथ का छुट्टी मिल जाता है, मतलब सी ए वालों को भी मिल जाता है, सी एम ए वालों को भी मिल जाता है। तो मैंने वैसे ही करा था, मैंने मतलब 9 मंथ का छुट्टी नहीं लिया था क्योंकि सीए में हमारे थोड़ा वैल्यू डिग्रेड है, वो लोग बोलते हैं इतना छुट्टी थोड़ी रिक्वायर्ड होता है सीए में वालों का, मतलब ये तो हमने बोला ठीक है आप 6 महीने का तो हम 6 महीने में तोड़ लेंगे। तो फिर हमने मतलब 6 से 7 महीने का मेरे को छुट्टी मिला था, और मैंने मीन वाइल जो हमारा आर्टिकलशिप का पीरियड चल रहा था उसमें मैंने मेरे लेक्चर्स खत्म कर लिए थे, और उस टाइम पे फिर मैंने मेरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था इन 6 to 7 मंथ्स। ओके ग्रेट। सो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप सीएमए कोर्स करने का आप सजेशन दोगे? बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि सीएमए अभी आप जो स्पीच के नॉइसेस है, जो भी नॉइस है कि ये आगे जाएगा, ये कोर्स आगे जाएगा, वो कोर्स आगे जाएगा, मैं आपको बताऊं 5 साल में सीएमए बहुत आगे जाने वाले, क्योंकि हमें रिप्लेस करना ठीक है, रिप्लेस हो सकते हैं, हमारा MIS रिपोर्ट ये सब ठीक है वो अलग बात है, बट डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो एट द एंड ऑफ द डे वो कोई भी ह्यूमन ही लेगा, वो AI ले नहीं सकता, तो वो ह्यूमन ही लेगा, और वो डिसीजन मेकिंग का पावर हमारे पास ही है, बिकॉज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल डिसीजन CMA इज ऑलवेज देयर। तो हमारे पास वो पावर है, तो CMA 5 साल या फिर 2 या 5 साल के अंदर में, और जो अभी करंट गवर्नमेंट है और आने वाली भी जो गवर्नमेंट होगी उस बेसिस पे जो इंडिया ग्रोइंग स्टेज पे है, क्योंकि आज भी हर कंट्रीज में फायरिंग हो रही है, बट हमारे इधर आज भी फायरिंग चल रही है, एंड इवन हम अभी भी आपके सर उसमें देख रहे हैं, अपने जो हमें वो बोला था जब हमने ज्वाइन किया था, अपने ग्रुप बनाया ऐसा कैंपस प्लेसमेंट करके, बट टुडे ऑल्सो जो कैंपस प्लेसमेंट तो हमारा कब तक कंप्लीट हो गया है, बट आज भी आप पोस्टिंग हायरिंग शेयर कर रहे हो, बहुत लोगों को कनेक्ट कर रहे हो कि भाई आप लेक्चर्स बैठो, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप उसको भी रिजोल्व करो, मैं आपके मतलब अभी भी आप वो बोलते ना कि पूरा निवाला मैं मुंह में रख रहा हूँ खाली आपको चबाना है, तो आपने उतना सब करके दे दिया है सर। तो हमारे इधर अभी भी हायरिंग चल रहा है, और अगर आप जैसे मेंटर रहेंगे तो हमें पक्के से हायरिंग मिल भी जाएगा और हम अच्छी कंपनी में प्लेस हो भी जाएंगे सर। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब है हमारे उनको, मतलब ये बहुत बड़ा वो मिला, क्या बोल सकते हैं, एडवांटेज को बोल सकते हैं, एडवांटेज डेफिनेटली सर, हमें एडवांटेज मिला कि हमारे एरा में आप जैसे मेंटर आए सर, बिकॉज व्हाट वी हैड पेड ऑन व्हाट वी आर गेटिंग उसका तो सर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उसका तो मतलब वो तो खाली अपने गुरु दक्षिणा के हाँ ठीक है भाई आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में वो कंसिडरेशन देना पड़ेगा बस, बाकी जो वैल्यू आपको मिलेगा उसका तो कोई पार ही नहीं है सर, वो एक चीज है उसको मैं बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगा सर। और जितने भी सीएमए जाके बनेंगे उसके बाद वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाए या फिर ऑफ कैंपस जाए, अगर आपसे वो मेंटरशिप लेते हैं बने पेड मेंटरशिप ना हो, बट आपकी यूट्यूब वीडियोस या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू जैसे भी आपसे कनेक्ट करते, इवन मैं देखता भी हूँ सर आपके जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कि बहुत लोगों ने 12th के बाद या फिर बहुत लोग साइंस बैकग्राउंड से आए बट आपसे थोड़ा बहुत बात करी इंस्टाग्राम पे या फिर किधर से कनेक्ट हुए और आपसे थोड़ा बहुत मेंटरशिप लिया, उसके बाद उनका थोड़ा जो
वे ऑफ लुकिंग का पर्सपेक्टिव था बहुत चेंज हो गया सर। ये एक है ऑन अभी भी जब मेरा कैंपस के टाइम पे भी जो हमारी चीज़ें चल रही थी, इवन इसके पहले मेरे को एक ऑफ कैंपस आ गया था, तो मैं आपको 4 बजे फ़ोन करूँ या फिर मैं आपको शाम में 6 बजे के बाद फ़ोन करूँ या फिर सुबह में 10:30 बजे फ़ोन करूँ। अब अपने बिजी शेड्यूल में भी सर यू ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने हमारे फ़ोन रिसीव नहीं करे, ठीक है, या फिर मैं आपको टेक्स्ट करूँ तो आपका तुरंत 5 मिनट में फ़ोन आ जाए। तो सर ये एक बात है जो मतलब हमें बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, बिकॉज ये होता है ना कि बच्चों में डर होता है कि यार इतने बड़े वो लोग हैं पता नहीं बिजी हो गए, हम कैसे पता है उन्हें, तो वो डाउट सॉल्व होना, क्योंकि लेटर ऑफर आता है और उनको बोलते कल ही आपको लेटर ऑफर साइन करके देना पड़ेगा, तो कल आपसे बात हो गया नहीं, कल का वेट ही नहीं करना है, 1 घंटे में आप फोन करो, मैं आपके सब डाउट सॉल्व करूँगा। सर दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, ठीक है, एंड वी थैंक यू जितने भी लोग थे वहीं के बिहाफ में मैं आपको सर थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू थैंक्स अगेन और थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी, एंड आई विल विश कि आप अपने लाइफ में बहुत ऊंचाइयां लो और फ्यूचर में बहुत आगे तक जाओ। अपना नाम, मेरा नाम, आपके साथ सबका, अपने घर का नाम, सबका नाम रोशन करो सर। आप तो इनोवेशन हो ही हमारे लिए, मोटिवेशन हो ही सर हमारे लिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपके सेफ के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट हो गए और भी सर अभी आपने रिसेंटली जो आपको अवार्ड मिला ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, AI के रिलेटेड आप वीडियोस बनाते रहते हो, वो मतलब आज भी मैं आपका व्हाट्सअप स्टेटस देखा एंड माइंड ब्लोइंग है सर। तो ये सब चीज़ है, आप अगर आप कनेक्ट रहोगे सर हमारे साथ और हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे तो सर हम डेफिनेटली ऊंचाई है तो क्या बहुत आगे से ऊंचाई छूटेंगे सर। यस योर श्योर सर, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म और मेरे को ये मौका मिला कि सर मैं अपनी जो भावना है व्यक्त कर पाऊँ, क्योंकि वो लेक्चर में वैसा हो नहीं पाता था 1-to-1 कनेक्शन। तो थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सर। हाँ।